भी हमारी बात हो रही थी, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि सिक्योरिटी को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं हो इस बात को लेकर के खास ख्याल रखा गया है। और आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरह से जो संग्रहण कक्षों में ईवीएम रखे गए थे उनको यहां पर, ये पहली तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा दें न्यूज 18 राजस्थान पर, मतगणना से पहले सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर रही है यहाँ पर, स्ट्रांग रूम को खोलने की तस्वीर देखिए, अब इससे ईवीएम निकलेंगी और टेबल तक जाएंगी। महेश बता रहे हैं ज्यादा जानकारी। जी महेश, देखिए ये बिल्कुल राजस्थान कॉलेज से आप इस समय में देख रहे हैं, स्ट्रांग रूम खोल दिया गया है और यहाँ पर लाइट्स की व्यवस्था की जा रही है, भीतर से जो ईवीएम है अब उसको लाने की जो शुरुआत है वो यहाँ पर होगी। मेरे साथी आसिफ खान मेरे साथ में मौजूद है, किस तरह से आसिफ आप पूरे कॉलेज को घूम करके विजिट करके आए हैं, पूरे इस मतदान केंद्र पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? देखिए मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये स्ट्रांग रूम खोला गया, आप ये तस्वीरें मैं अपने जो है कैमरा साथी उनसे कहूंगा, लाइट्स ऑन नहीं हो रही है, इसके अंदर इन्होंने कोशिश की लाइट ऑन करने की, आप पूरे स्ट्रांग रूम के अंदर अभी फिलहाल अंधेरा है, इसके बाद में जो है यहां से जो ईवीएम मशीनें निकाली जाएंगी। सांगानेर सीट जो है उसकी ईवीएम मशीनें यहां पर है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात महेश मैं यहां पर बताना चाहता हूं, आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि हमारी जो पहली लर्निंग है इस चुनाव के अंदर जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि एक महीने पहले चुनाव खत्म कर लेना चाहिए था, बहुत तेज गर्मी है। तो हम राजस्थान में हैं, जयपुर में हैं जहां पारा 50 डिग्री तक पहुंच चुका था, अभी 7:15 हुए हैं लेकिन सूरज जो है वो तपिश दिखाने लगा है। और जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने हमें बताया था सुबह सुबह जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था पहला रुझान ईवीएम ओपन होने के 15 मिनट बाद में ही जो है वो आ जाएगा। तो मोटे तौर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं महेश कि इस गर्मी को देखते हुए 10:30-11 बजे तक जो है वो बड़ी पिक्चर एकदम जयपुर शहर की जो है वो सामने आ जाएगी, ये साफ हो जाएगा कि जयपुर शहर सीट को जो है वो कौन जीत रहा है। लेकिन तो यहाँ पर व्यवस्थाएं भी जो है हम आगे की कुछ तस्वीरें जो है उनको दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, कैमरा साथी अविनाश कहेंगे कि वो आपको आगे की जो तस्वीरें हैं वो दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल महेश वापिस आपका रुख करेंगे। जयपुर शहर में स्ट्रांग रूम जो है वो खोला जा रहा है लेकिन जयपुर ग्रामीण का स्ट्रांग रूम क्या खुल गया है वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही है। सीधे सहयोगी लवली वधवा वहां पर मौजूद है कॉमर्स कॉलेज में, लवली अपडेट बताइए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। सबकी सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जयपुर ग्रामीण के तमाम जो स्ट्रांग रूम्स हैं उनकी सील खोल दी गई है। स्ट्रांग रूम के अंदर जो मत पेटियां जिसे कहा जाता है वो ईवीएम जो है वो रखी गई है, उनकी जो है तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर तमाम ईवीएम्स को जो है 3-layer सिक्योरिटी में रखा गया था जहां पर अब इन्हें खोल दिया गया है और जो है वो यहां पर ईवीएम मशीनों को जो है वो खोल करके रख दिया गया है और 7:45 इन ईवीएम मशीनों को जो है वो यहां पर जो है वो लेकर के और 8:00 जो है काउंटिंग टेबल्स पर जो है उन्हें पहुंचाने का जो काम है वो यहां पर किया जाएगा। 8:00 के बाद में जो तमाम जो ईवीएम्स हैं वो काउंटिंग टेबल पर पहुंचेगी। दूसरा एक कमरा देखिए आप, यहां पर भीड़भाड़ कम है, तस्वीर ज्यादा अच्छी दिखा पाएंगे हम आपको, यहां भी जो है वो कक्ष खोल दिया गया है और इसकी तस्वीर आप देखने की कोशिश कीजिए कि यहां पर तमाम ईवीएम मशीनें जो है वो यहां पर आपको नजर आ रही है जिन्हें कुछ ही देर बाद में जो है वो मतगणना के लिए जो टेबल्स बनाई गई है वहां पर ले जाया जाएगा जहां पर ईवीएम मशीन की जो काउंटिंग का जो काम है, ईवीएम में जो मताधिकार का प्रयोग जो आम लोगों ने किया है, जो मतगणना होगी जनता के जो दिए हुए मत है उनकी गणना। अभी, अभी मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा, ये झोटवाड़ा की जो ईवीएम है लवली, ये जो सील्ड है पूरी तरह से और ये जब टेबल पर जाएंगी ये सील उसी वक्त खुलेंगी, स्ट्रांग रूम की सील तो खुल गई है। हाँ देखिए बिल्कुल ये सील जी बिल्कुल स्ट्रांग रूम की सील खुल गई ऑब्जर्वर की मौजूदगी में और अब ये जो ईवीएम मशीन है इनकी सील जो है काउंटिंग टेबल्स पर खुलेगी जहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे वो अलग अलग एक एक विधानसभा वार रिटर्निंग ऑफिसर्स को जो कमरे जो है वो दिए गए हैं, मतगणना कक्ष बनाए गए हैं वहां पर अलग अलग टेबल्स पर रखी जाएगी और टेबल्स पर रखने के बाद में जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है वहां पर मतगणना की जो तैयारी है वो उसे अंजाम देंगे और अंजाम देने के साथ साथ ही जो है वो यहां पर जो है वो तमाम जो मशीनें हैं उन्हें खोला जाएगा वहां पर और एक एक करके जो बारकोड होगा जो कोड होगा उसके माध्यम से इन्हें इनको अनलॉक करने का जो काम है, जो अकाउंट्स के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो इन मशीनों को ओपन करने का काम करेंगे, इनकी सील को तोड़ेंगे और उसके बाद में ईवीएम मशीन का प्रोसेस शुरू होगा। एक एक बूथ की मशीन को खोला जाएगा और उन मशीनों के अंदर जो वोट अलग अलग प्रत्याशियों को कितने कितने कब कब कहां कहां वोट मिले हैं वो तमाम मत जो है वो इसके अंदर जो है वो कैद है जिन्हें कुछ देर बाद में पहला रुझान जब डाक मतपत्रों का रुझान आएगा उसके ठीक साथ साथ में ही ईवीएम का रुझान आएगा। देखिए पहले
पहले क्या होता था कि पहले डाक मतपत्र अलग गिने जाते थे, ईवीएम उसके बाद शुरू होती थी, लेकिन अब व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलाने के लिए डाक मतपत्रों के साथ साथ ही कमरे जरूर अलग अलग होंगे डाक मतपत्रों के और ईवीएम के, लेकिन डाक मतपत्रों को रिविजन के बाद में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपा जाएगा, जहां पर जो प्रीव्यू होगा जहां से पहला रुझान न्यूज 18 देगा, प्रीव्यू के बाद में उन डाक मतपत्रों की गिनती जो है ईवीएम के मतों के साथ में गिनती की जाएगी, जिसके बाद में यह तय होगा कि इन प्रत्याशियों को कितने वोट मिले हैं। कुल मिलाकर के 28 प्रत्याशी हैं जो जयपुर ग्रामीण विधानसभा जयपुर लोकसभा क्षेत्र से ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से, और मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में कहा जा रहा है, लेकिन अब कुछ देर में यह भाग्य का जो फैसला है उन मशीनों के बाहर निकलने की तैयारी में है। जी बिल्कुल लवली, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये समझाएं, क्योंकि ईवीएम को लेकर के सवाल उठते हैं, पारदर्शिता को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है, ऐसे में देखिए ये तीन ताले इसके ऊपर लगे हुए थे स्ट्रांग रूम के ऊपर, वहां पर सील थी उसे खोला गया, और अब हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं ये ईवीएम है इन डिब्बों में जहां पर टेबल पर ये ईवीएम जाएगी लवली। और इस वक्त हम लवली मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में रोक रहा हूं, और सीधे हम चलते हैं जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में जहां पर सहयोगी रेवा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवा शंकर अपडेट बताइए, सबको इंतजार, देखिए जालोर सिरोही भी हॉट सीट जहां पर वैभव गहलोत और लुम्बाराम चौधरी के बीच में मुकाबला धड़कने तो सबकी इस वक्त बढ़ी हुई होंगी। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफी जो बेताबी है चुनाव परिणाम को जानने की, और यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स जो है जो राजनीतिक दलों के यहाँ पे पुख्ता सुरक्षा जांच के बाद में सबको यहाँ पे प्रवेश दिया जा रहा है। यहाँ पे अब की बार काफी सख्ती भी बरती गई है, मोबाइल का जो प्रवेश है वो पूर्णतः वर्जित रखा गया है, और यहाँ पे सरकारी जो पूरा महकमा है वो पूरी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, और इंतजार है उस रुझान का जिससे यहाँ की लोकसभा सीट का जो भाग्य तय होने वाला है। जी बिल्कुल रेवा शंकर, अगर आप तस्वीरें दिखा पाए मतगणना स्थल की तो वो भी जरा दिखाइए, और किस तरह की व्यवस्था है वो भी बताइए। जी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो मुख्य द्वार के बाहर जो व्यवस्थाओं में लगे हुए अधिकारी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो यातायात व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो संभाल रहे हैं। और रेवा लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, और सीधे लाइव रिजल्ट हब का हाल दिखाते हैं जहां पर न्यूज 18 की टीम मुस्तैद है आप दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए। हमारे सहयोगी मनु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनु तस्वीरें दिखाइए, बताइए क्या इस वक्त अपडेट निकल करके आ रही है और कैसी तैयारियां हैं। बिल्कुल हेमंत, लोकतंत्र के महापर्व का जनादेश का आज दिन है और सभी को नतीजों के इंतजार है, सॉलिड नतीजे, सबसे तेज नतीजे आपको न्यूज 18 पर मिलेंगे। और न्यूज 18 ने क्या खास तैयारी करी है, मैं इस वक्त लाइव रिजल्ट हब में हूँ, और इस लाइव रिजल्ट हब में दरअसल ये आपको पूरा इंडिया नजर आएगा। इंडिया में ये नॉर्थ रीजन है और ये साउथ रीजन है, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की डेस्क है, उत्तराखंड की डेस्क है। उत्तर प्रदेश के लिए कहते हैं कि सत्ता का रास्ता, जो केंद्र का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरेगा। 80 सीटों का क्या हाल रहेगा, सबसे पहला रुझान, उसके बाद देखिए बिहार की जो चुटीली राजनीति होती है, हर एक रुझान आपको यहाँ से हम दिखाएंगे। इसके साथ साथ अब आप मेरे साथ आइए, मध्य प्रदेश के लिए भी हमने खास तैयारी की है, 29 सीटों की आज वोटिंग काउंटिंग होनी है। उसके साथ साथ देखिए छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटों पर क्या हाल रहेगा, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे। झारखंड में आपको बताएंगे कि क्या कुछ हाल चल रहा है रुझानों में सबसे पहले। और देखिए अब आपको इंतजार जो राजस्थान का रहने वाला है, राजस्थान डेस्क का हम रुक कर लेते हैं। यहाँ पर लाइव रिजल्ट हब में राजस्थान में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, तमाम तैयारियां रहेंगी। ये राजस्थान की पूरी डेस्क आप देख पा रहे हैं, 25 सीटों का हर एक आंकड़ा आप तक पहुंचाएंगे। रजा जी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी रजा जी, जाहिर तौर पर हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तैयारी कर रखी है, जरा बताइए दर्शकों को किस तरह का धुआंधार तैयारी करने में आप लोग लगे हुए थे। देश में अब की बार किसकी सरकार, बस थोड़ा इंतजार। न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले आपको पहला रुझान दिखाएगा, जैसा कि पहले भी हमने दिखाया है विधानसभा